एक तो सदर पे जब आप परचेजिंग करने आते तो सबसे बड़ा मसला होता है पार्किंग का। गाड़ी कहाँ लगाई है बन्नी? कामरान भाई 5,000 रुपए गिर गए, आपने टप्पा फाड़ दिया। यही करते ना दुकानदार हैं। अच्छा जी, ये खुल गया है हमारा रॉड। अच्छा मदनी, ये रिसीवर है? ये दो माइक है और ये रिसीवर। अच्छा जी, माइक फाइनल कर लिया हमने, लेकिन पैसों पे अभी थोड़ी ज़रा लड़ाई हो रही है। ये मैंने क्या किया है, ये जनाब मैंने ये अशरफियाँ जमा की हैं रेस गाड़ी, और ये वाहिद काम है जो होता देखते मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आप यकीन करें, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहा रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, LV के ग्लासेस की फर्स्ट कॉपी पहन के आपका भाई बहुत कूल समझ रहे अपने आप को, और आवाज़ बड़ी ख़राब आ रही है मेरी वीडियोस में। लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे वैसे कमा रहे, थोड़ा माइक वाइक खरीद ले। तो हम लेने जा रहे हैं माइक। कौन सा हुए यार? रॉड कंपनी का लेने जा रहे हैं, वायरलेस। रॉड कंपनी का वायरलेस माइक लेने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आवाज खराब हुई, कंटेंट के व्यूज नहीं आए, तो हम रोड पे आ जाएंगे। ठीक है जी। और आईफोन 13 प्रो की एक चीज जो मुझे बहुत कमाल लगती है, अल्लाह ना करे को ये नहीं समझे कि मैं आईफोन दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ये चीज चेक करें इसका सिनेमैटिक। ये देखें जी, ये हमारा टिश्यू बॉक्स फोकस हुआ और आगे का हो गया डीफोकस, बिल्कुल हॉलीवुड की फिल्म, एकदम झकास बोले तो। ये देखें, और अब देखें मैं बाहर वाला सब फोकस करूंगा। ये देखें, वाह 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 भाई, DSLR हो गया ये तो है। एक तो सदर पे जब आप परचेजिंग करने आते तो सबसे बड़ा मसला होता है पार्किंग का। गाड़ी कहाँ लगाई है बन्नी? यार गाड़ी यहाँ लगाई, आगे दबा के उससे मिलते करेंगे भाई, आ रहे थोड़ी देर तो। लेकिन एक बंदा बिठा के आना पड़ता है, आपको शर्त ये है। तो अब देखें जी, मार्केट आए, जरा देखते हैं यहाँ पे कि क्या माइक मिल रहा है, क्या यहाँ पे हाल है। ये शॉप है जी, बेस्ट कैम। अस्सलामुअलैकुम कामरान भाई। कामरान भाई बिल्कुल अचानक व्लॉग में आ गए आप, एक आम जिंदगी से निकल के हैं। सर जी, रॉड का माइक चाहिए, अवेलेबल है? और अभी माइक वाइक सारे निकलवा रहे हैं, और उससे पहले चाय आ गई है तो जरा चाय पीते हैं जी। कामरान भाई रॉड दिखा दीजिए फिर सर। वो होता है ना तीन तीन वाला होता है, जी जी, क्या कहते हैं उसको, वन ऑन टू, वन प्लस टू जी, ये कहलाता है। वायरलेस गो टू जी। अच्छा यार, इसकी कितनी कीमत है कामरान भाई? वैसे कस्टमर प्राइस तो इसका 67,000 है, लेकिन आपको मिलेगा 65,000 का। अच्छा, इससे कोई नीचे की चीज? इसमें 1+2 आता है, 1+1 आता है फिर। हाँ नहीं, मुझे चाहिए 1+2 ना। 1+2 में तो नहीं, 2 में इससे बेहतर कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास। मतलब अगर मैं इससे थोड़ी नीचे की चीज लूँ तो मजा नहीं आएगा ऑडियो? मजा नहीं आएगा बिल्कुल, क्वालिटी मजा नहीं आएगा। आवाज की जो क्वालिटी है ना, वो इसके अंदर बहुत प्रोफेशनल ऑडियो जो होती है ना जी, प्रोफेशनल ऑडियो। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट भी होती है कि मैं एडजस्ट कर लूँ बाहर की जो नॉइज होती है? जी, इसमें कंट्रोलर दिया होता है, लेवलर होता है इसके अंदर। अच्छा यार, खोलना मत, ये सील होगा। पैसे कामरान भाई, 5,000 रुपए गिर गए, आपने डब्बा फाड़ दिया। यही करते ना दुकानदार हैं, डब्बा फाड़ दिया है, सील खोल दी, हालांकि सील पीछे से ही होती है। ये मोबाइल वाले करते हैं, मोबाइल वाले। अच्छा जी, ये खुल गया है हमारा रॉड। अच्छा मदनी, ये रिसीवर है? ये दो माइक है और ये रिसीवर, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये बेसिकली आउटडोर के लिए ही है, रॉड कंपनी ने निकाला है। पूरी दुनिया में जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा मानी जाने वाली कंपनी है ये। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, लेकिन वो किसी का था। अच्छा कामरान भाई, ये मोबाइल से कनेक्ट तो हो जाएगा ना? जी पॉसिबल हो सकता है। इसके कनेक्टर आता है क्या आता है? हाँ, एक छोटा सा कनेक्टर आता है, कन्वर्ट कनेक्ट करेगा ना, मिल जाता है, मोबाइल शॉप से मिल जाता है आराम से। सही है जी। अच्छा जी, माइक फाइनल कर लिया हमने, लेकिन पैसों पे अभी थोड़ी ज़रा लड़ाई हो रही है, तो हो सकता है हमें आधा घंटा लग जाए हमें बार्गेनिंग में। कितने का बताया कामरान भाई आपने? मैंने 65,000। कामरान भाई यार, कोई कमी पेशी कर लो यार, पूरी दुनिया देख रही है। कर लेंगे, कैमरा बंद करो, कर लेंगे। और कैमरा बंद होगा तो फिर मैं कामरान भाई को जरा मस्के लगाऊंगा, थोड़े मक्खन लगाऊंगा, आपकी दुकान का नाम लगा दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, पैसे कम कर दे, हो सकता है पैसे कम कर दे। ये हम व्लॉगर्स का पैतरा होता है। और आप अगली आवाज जो सुनेंगे वो होगी जी रॉड माइक की। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होगी। ये जो आवाज़ है ये जी इस रॉड माइक की, जो कि आपके भाई ने परचेस किया है। और एक काम मैंने और किया है, ये देखें, ये मैंने क्या किया है, ये जनाब मैंने ये अशरफियाँ जमा की हैं रेस गाड़ी। किसके लिए? तो ये चिल्लड़ मैंने उन लोगों के लिए जमा किए हैं जो कि आप देखते होंगे कि आप किसी होटल पर रुक रहे हैं या किसी सिग्नल पर रुक रहे हैं, तो फौरन वो गदागीर जो होते हैं, जिनका पेशा है मांगना, मतलब वो मुस्तहिक नहीं होते, तो वो आपको तंग करते हैं। तो उनसे जान छुटाने के लिए मैंने ये चिल्लड़ रखे हैं।
बाकी जो मुस्तहक है उनको तो हमें चाहिए कि हम उनको ज्यादा दें और बढ़ चढ़ के उनकी मदद करें, लेकिन जो जान छुटाने वाले हैं उनकी इससे जान छुटाएं। ओए होए, ये गाड़ी की हालत चेक करें आप। कोई कह नहीं सकता कि ये मैंने सिर्फ 2 दिन पहले धुलवाई है। पर आपस की बात है, गाड़ी का ये शीशा इतना क्यों हिल रहा भाई? यहाँ के फ्लैट के बच्चे एक तो बड़े शरारती हैं। बेटा, किसी को ये गाड़ी के शीशे से छेड़छाड़ करते हुए देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा? बेटा, जब भी कोई छेड़छाड़ करते हुए देखो तो मुझे बताओ, ठीक है? और ये वाहिद काम है जो होता देखते मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आप यकीन करें, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहा रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। गाड़ी जो है बेसिकली वो मर्द की मशहूक होती है, मशहूक, तो बड़ा चमका के रखना पड़ता है हमें अपने घोड़े को, है जी। एक चीज आप अभी नोट करें, गाड़ी अभी निकली है और अभी टायर गंदे हो गए। वाह 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 वाह, इसका एक ही हल है, जमाते इस्लामी। वाह चाचा वाह, दिल खुश कर दिया, गाड़ी चमका दी है बिल्कुल, है? हैं? लेकिन ये बताओ, अभी आधे घंटे में दोबारा गंदी हो जाएगी, हैं? सही बात है, टूटे फूटे रोड है, मट्टी मट्टी भरी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि देखती आंखों और सुनते कानों आपको ये व्लॉग बड़ा पसंद आया होगा। और माइक मैंने आपको दिखाया बेसिकली व्लॉग में, जो मैंने 62,000 रुपये का लिया है, लेकिन फिर मैं एंड में ये कहता हूँ कि भाई माइक जरूरी नहीं है, जरूरी है तो आपका कंटेंट। अगर आपके पास 62,000 रुपये जो माइक खरीदने के लिए नहीं है, तो आप कोई 2,000 रुपये वाला माइक, उससे भी काम चल सकता है अगर आपका कंटेंट अच्छा है। मैंने भी तो देखा, अभी माइक ये लिया है, इससे पहले तो मैं वही वाला माइक यूज करता था, 2,000 रुपये वाला बोया M1। तो आप भी वही यूज करें और कंटेंट बनाएं और मेहनत करें। आई लव यू।